हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों को अपने पीसी में गेम चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है उनको बहुत से एरर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कभी DLL फाइल मिसिंग, या कभी डिस्प्ले नहीं आती है, या कभी किसी गेम में आवाज़ नहीं आती है। तो उन सभी के सोल्यूशन है मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो से जो सोल्यूशन मिलेगा वो 80-90% ऑफ टाइम आपके गेम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ज़्यादातर टाइम ये जो प्रॉब्लम है ये लो एंड पीसीज में आती है, जैसे कि आपका पीसी 20-30 के बीच में है, या आपके कंप्यूटर में मतलब लो एंड स्पेक्स है, आप 4GB की गेम है और आप 2GB में चला रहे हैं, तो कभी कभी एरर्स आ जाती है। और इसका मेन रीज़न होता है कि आप पायरेटेड गेम यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि अगर आप स्टीम से डाउनलोड करते हैं गेम तो स्टीम में आप सभी को एक मतलब सपोर्ट मिलता है ड्राइवर्स का, जिससे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर मिसिंग है तो वो अपने आप ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है। बट पायरेटेड गेम के केस में ऐसा नहीं है। तो इसी के रिलेटेड आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको टॉप 5 PC गेम्स बताए हैं जो कि आप लो एंड PC में खेल सकते हैं, तो ये देख सकते हैं। पहला जो सबसे पहला जो काम है आपको करना है किसी भी गेम को चलाने से पहले, आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट टैक्स इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट टैक्स इंस्टॉल नहीं है तो बहुत सारे मतलब चांसेस हैं कि आपके एरर आ सकते हैं। जैसे कि आपके कोई भी गेम चलाओगे तो आपको एरर आएगा DLL फाइल मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर और वगैरह वगैरह। तो इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आप चाहे तो पहले डायरेक्ट टैक्स के जो वेबसाइट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट टैक्स लिखेंगे, या तो डायरेक्टली गूगल पे जाकर लिखना है डायरेक्ट टैक्स जो भी आपका वर्जन सपोर्ट करता है ग्राफिक कार्ड का, और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। कुछ 90 MB की फाइल होगी, इंस्टॉल कर लेना है। अगर उसके बाद भी आपको उसको इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपको गेम चलाते हैं फिर भी एरर आता है कि DLL फाइल मिसिंग, MSV कुछ भी ऐसा एरर आ जाता है कि DLL फाइल मिसिंग, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, आपको जो भी एरर आ रहा है वो लिखना है वहाँ पे गूगल, उस पर गूगल सर्च बार पे, और आपको सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है उसको अपने कंप्यूटर के हिसाब से। आपका कंप्यूटर 64-bit है या 32-bit है, उसके बाद आपको अपने माई कंप्यूटर में जाना है, जिस PC में जाना है, उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद आपको जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है सिस्टम 32 फोल्डर होगा, उसके अंदर जाके वो ड्राइवर्स पेस्ट कर देना है बस। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो सामान था, गेम था, जो भी है वो अच्छे से चल जाएगा। सेकंड जो ड्राइवर है वो है आपके ग्राफिक कार्ड, या फिर आपके इंटेल UHD के जो ड्राइवर्स होते हैं ना वो अपडेट नहीं होते हैं। कभी कभी मतलब कुछ गेम्स होती हैं जिनको ना अपडेटेड ड्राइवर्स चाहिए होती हैं और आपके ड्राइवर्स अपडेट ही नहीं होते हैं, तो इससे भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी गेम पे। या तो आपकी गेम शटर कर सकती है, लैग हो सकता है, या आपकी गेम चलेगी ही नहीं। कभी कभी तो कुछ लोग मतलब ड्राइवर्स इंस्टॉल ही नहीं करते हैं और वो बस गेम खेलना चाहते हैं, बट चलती नहीं ऐसी गेम। इसलिए आपको अपने जो भी कंपैटिबल ड्राइवर्स हैं NVIDIA के हैं या फिर इंटेल के UHD ड्राइवर्स हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने होते हैं। अगला जो ड्राइवर है वो है मदरबोर्ड का ड्राइवर। तो मदरबोर्ड के जो ड्राइवर्स होते हैं वो GPU के ड्राइवर्स जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के जो कुछ रियल टेक ऑडियो वाले ड्राइवर्स होते हैं या LAN के ड्राइवर होते हैं वो भी आपको इंस्टॉल करने। इसके डिस्प्ले के भी ड्राइवर्स आते हैं तो वो आपको अपडेट या फिर इंस्टॉल करने चाहिए। तो आप ये मदरबोर्ड के ड्राइवर्स कहाँ पे ढूंढेंगे? आपका जिस भी ब्रांड का मदरबोर्ड है, जैसे कि ASRock का है, GIGABYTE का है, या किसी भी ब्रांड का है, तो आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपने मॉडल लिखेंगे मदरबोर्ड का, वो आ जाएगा। या आपके पास मदरबोर्ड की CD होगी ना, उस CD में ड्राइवर्स दिए होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में, जिससे इसे आपके गेम पे पक्का ही इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी में जो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं वो आपके गियर, मतलब जैसे कि आपने कोई नया हेडफोन लिया है तो जब आप अपने कंप्यूटर में वो डालते हैं तो उसके ना कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं आपके PC में, या तो कभी कभी वो इंस्टॉल नहीं होते हैं या वो अपडेट नहीं होते हैं, जिससे कि आपका मतलब अगर आपने हेडफोन लिया तो आपको आवाज़ नहीं अच्छी आएगी, तो उसको अपडेट कर लेना चाहिए। और कभी कभी तो ड्राइवर्स भी आते हैं CD में, पहले आते थे अब नहीं आते हैं, अब डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके ड्राइवर्स अपडेट हों, तो इससे आपको पक्का ही इफेक्ट पड़ेगा आपके गेम पे और क्या। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी गेम को खेलने से पहले, कि आपके कंप्यूटर में ये चीज़ें इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। इन चीज़ों से आपको पक्का इफेक्ट पड़ेगा, आपको थोड़े अच्छे फ्रेम रेट दिखने मिल सकते हैं। और अगर आपका गेम चल नहीं रहा था, या ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, या शटर कर रहा था, लैग कर रहा था, या फिर ऑन ही नहीं हो रहा था गेम, तो इन चीज़ों से 70-80% इफेक्ट तो पड़ जाता है।
कि आपकी गेम चल जाएगी, लेकिन जो बाकी कुछ परसेंट रह गया है वो गेम्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि पायरेटेड गेम्स में ना सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं होता, ये पायरेटेड होती है ना, इलीगल होती है, तो इनमें मतलब कोई ट्रस्टेड तो सोर्स है नहीं, तो ड्राइवर्स मिलते नहीं हैं, तो आप लोगों को बाकी तो इंटरनेट पे ढूंढने पड़ेंगे। इन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो हेल्पफुल रही होंगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने तरीके बताए हैं ये हेल्पफुल रहे होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर कोई और एरर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं ट्राई करूँगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।